ओरमांझी की घटना से झारखंड की सियासत गर्मा गई है। मामले को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने होता दिख रहा है। दरअसल घटना के विरोध में सोमवार को मुख्यमंत्री के काफिले को रोकने की कोशिश की गई थी, जिसमें कई पुलिसकर्मी जख्मी हुए थे और सीएम रास्ता बदलकर अपने आवास लौटे थे। इसके बाद राज्य के डीजीपी एमवी राव ने कहा था कि ऐसे तत्वों को आयरन हैंड से कुचला जाएगा। कानून को अपना हाथ का खिलौना समझ के करने वालों के साथ हम लोग कैसा पेश आएंगे कि जिंदगी भर याद रहे। सर एक आखिरी सवाल, अभी तक सर क्या पाया गया है? बहुत सारे लोगों का गिरफ्तारी हुई है और जितना भी वीडियो फुटेज आया उसमें जो भी गुंडागर्दी किया हमारे पुलिसकर्मी घायल हुआ, एक इंस्पेक्टर को ऑलमोस्ट जान मार दिया। इनको मैं बताना चाहूँगा इन लोगों के पीछे ताकतों को कि हम लोग बिल्कुल आयरन हैंड से कुछ लेंगे। इधर बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने प्रदर्शनकारियों को आंदोलनकारी करार देते हुए इसे पुलिस की विफलता करार दिया है। इतना ही नहीं, मरांडी ने ओरमांझी की घटना के लिए हेमंत सोरेन पर जमकर हमला बोला है। जनता सोता स्फूर्त सड़क पर निकली है। पार्टी की ओर से जो कार्यक्रम था तो जगह जगह पर पुतला दहन का कार्यक्रम कल तय हुआ था, तो पुतला दहन लोग कर ही रहे थे। हमारा ये कहना है कि इस प्रकार की जब घटनाएं होती है तो पब्लिक सड़क पर आती, आप याद करिए उन दिनों को। आज पहली दफा ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं है, पहले भी लोग निकलते रहे हैं सड़कों पर। लेकिन आप अगर उनको कहते हैं कि आंदोलन करने वालों को गुंडा कहते हैं तो नहीं समझते, ये बिल्कुल गलत है। हाँ, जिन्होंने हमला किया उसको आप पकड़िए, उनको खोजिए, लेकिन बाकी को आप तंग करना कोई मतलब नहीं है। अब विफलता तो आपकी है। वहीं काफिले को रोकने की घटना के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कड़ी आपत्ति जताई है और कड़ी कार्रवाई किए जाने की बात कही है। देखिए, ये जो घटना है ये असामान्य घटना है और ये बड़ा सुनियोजित ढंग से साजिश करके, क्योंकि सीएम का जब भी कारपेट गुजरता है उसके पहले रोड ओपनिंग जो व्हीकल होता है, उसके बाद में जो कारपेट होता है उस पर यदि आप नियोजित ढंग से यदि हमला करते हैं, ये हमको लगता है कि कहीं ना कहीं कानून को एक चुनौती दी गई है और कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार किसी के पास नहीं है, वो चाहे कोई भी शक्ति हो। आपके पास भी विरोध दर्ज करने के कई जगह हैं, कई प्लेटफॉर्म हैं। आप अपना कोई भी यदि आक्रोश है तो उस आक्रोश को आप कह सकते हैं, बात कर सकते हैं, धरना कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन अचानक से एक व्यस्ततम रास्ते और वहां पर इस तरह से कितने लोगों की जान को जोखिम में वहां पर डाला गया है। इधर आज मामले की तफ्तीश करने घटनास्थल पहुंचे आईजी अखिलेश झा ने ऐलान किया है कि सुराग देने वाले को अब पुलिस 50,000 रुपए का इनाम देगी। बता दें कि रविवार को ओरमांझी में युवती की सिर कटी नग्न लाश मिली थी, जिसके बाद से पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। वहीं घटना के बाद से स्थानीय लोग बेहद आक्रोशित हैं। पैर में एक तगा था और राइट हैंड और राइट पैर में ब्लैक तगा था। ऐसे में सियासत छोड़कर गंभीरता से जांच किए जाने की जरूरत है, ताकि रांची के दरिंदों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए, जिससे आधी आबादी खुद को महफूज महसूस कर सके।